नमस्कार, आज मैं आपको भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और आपके सम्मुख उसे प्रस्तुत करूंगा, ताकि आप उस विश्वविद्यालय के कुछ अनछुए पहलुओं को जान सकें। इस विश्वविद्यालय का नाम है तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय आज टैक्सिला के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय लगभग 3000 वर्ष से अधिक पुराना है और ईसा से लगभग 5000 वर्ष पूर्व वह विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता था और देश विदेश के हजारों शिष्य वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने आते थे। यहाँ के विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ पे विभिन्न ज्ञानों की शिक्षा दी जाती थी और उस समय उसका शल चिकित्सा विज्ञान विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध। इस विश्वविद्यालय से बहुत से छात्र निकल कर आए और जिन्होंने देश के गौरवशाली इतिहास को ऊंचा करने में अपना महान योगदान दिया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, मुद्रा राक्षस ऐसे बहुत से विद्वान हैं जिनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। रामायण के अनुसार कैके देश के राजा अश्वपति के पुत्र युद्धपति, जो कि भरत के मामा थे, उन्होंने भगवान श्री राम को यह सलाह दी कि वह सिंधु नदी के दोनों ओर बसे हुए गंधर्वों के देश, जो कि राजा सैलूश के पास हैं, उसको जीतें। वो बहुत ही सुंदर नगर है। राजा सैलूश के पास लगभग 3 करोड़ गंधर्वों की सेना थी। अतः श्री राम ने भरत के साथ और बाद में उनके मामा जो कैकेयी के राजा थे उनके साथ मिलकर वहाँ आक्रमण किया और उसे जीता और वहाँ पर उन्होंने 2 नगरों का निर्माण किया। भरत ने गंधर्वों को हरा दिया और उस प्रदेश को जीत लिया। राजा राम की आज्ञा से भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम से तक्षशिला नगरी का निर्माण किया और छोटे बेटे पुष्कल के नाम से पुष्कलवती का निर्माण किया, जो बाद में पुरुषपुर हुई और वर्तमान में वो पेशावर के नाम से जानी जाती है। वर्तमान में पेशावर को भी काट के एक नया जिला चारसिद्धा बना दिया गया। अब पुष्कलवती चारसिद्धा में आती है। रघुवंशी राजाओं ने उस प्रदेश पर कब तक राज्य किया इसकी सही जानकारी तो नहीं प्राप्त, किंतु वहाँ पर गार्ग मुनि ने अपना एक छोटा सा आश्रम खोला और धीरे धीरे वो एक विख्यात आश्रम के रूप में जाना जाने लगा। कालांतर में उनके शिष्यों और अन्य पंडित जनों के साथ धीरे धीरे उस आश्रम ने विश्वविद्यालय का रूप ले लिया और लगभग ईसा से 1000 वर्ष पूर्व वह एक पूर्ण रूप में विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वहाँ एक खास बात थी, वहाँ की शिक्षा पद्धति बिल्कुल गुरुकुल की तरह थी। वहाँ पर प्रत्येक आचार्य का एक अलग आश्रम था। बिल्कुल आप उसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे किसी विश्वविद्यालय में एक संकाय होता है और वहाँ पर एक खास शिक्षा दी जाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट आप समझ लीजिए। तो उसी तरह एक आचार्य के का एक अपना गुरुकुल होता था। उस गुरुकुल में अगर वहाँ पर विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी तो सारे प्राचार्य विज्ञान की शिक्षा लेते थे और जितने वहाँ पर शिष्य थे वो उन्हीं प्राचार्यों से आचार्य से उस विज्ञान की शिक्षा लेते थे। अगर किसी को
दूसरे ज्ञान की शिक्षा लेनी होती थी या दूसरा विषय लेना होता था, वो फिर दूसरे प्राचार्य के गुरुकुल में चला जाता था। तो इस तरह वहाँ पर शिक्षा पद्धति बिल्कुल गुरुकुल की तरह थी, और मुख्यालय के रूप में कोई बड़ा भवन नहीं बना था। वहाँ पर केवल एक बहुत बड़ा भवन था जहाँ पर अक्सर प्राचार्य और शिष्यों के बीच में अन्य विषयों पर परिचर्चा होती थी। महाभारत के समय गंधर्व नगर का कुछ हिस्सा गांधार राज के पास आ गया, जबकि दूसरे हिस्से पर गंधर्वों का राज था। वहाँ का राजा चित्रांगद था और उस समय पूर्व प्रदेश का राजा शांतनु का पुत्र भी चित्रांगद था, और चित्रांगद को युद्ध लड़ने का बहुत शौक था। सरस्वती नदी के दोनों ओर इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ जो 3 वर्ष तक चलता रहा। अंत में गंधर्व राज चित्रांगद ने शांतनु पुत्र चित्रांगद को युद्ध में हरा दिया और मार डाला। इसका सीधा अर्थ है कि महाभारत काल में कुरुक्षेत्र की सीमा गंधर्व राज से मिलती थी, और दोनों की सीमाएं इसीलिए युद्ध भूमिका निभाती रहती थी। गांधार तब एक संपन्न राज था, और गांधार नरेश सुबल की पुत्री गांधारी का विवाह महाराजा धृष्टराष्ट्र के साथ हुआ, और इसके लिए भीष्म पितामह ने सुबल को प्रेरित किया था। सभी जानते हैं कि पहले गांधार नरेश इस बात के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अंततः उन्हें एक बलशाली राज कुरु के आगे झुकना पड़ा। महाभारत के समय परीक्षित और जनमेजय यहाँ राज किया था। ऐसा माना जाता है कि जनमेजय ने नाग यज्ञ यहीं पर करवाया था। गौतम बुद्ध के समय गांधार राज के राजा पुक्कुसाति ने बिम्बसार के यहाँ एक शिष्यमंडल भेजा था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 200 वर्ष तक यह प्रदेश ईरान के हाथों चला गया। बाद में आम्भी ने यहाँ पर अधिकार किया और आम्भी गांधार का नरेश बन गया। फिर चंद्रगुप्त के समय ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का हिस्सा बना। कुषाण के समय यह गांधार एक बहुत बड़ा केंद्र था, और कुषाण का राज उसके बहुत आगे तक था। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी से लगभग 18 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की तरह है, और वह उसकी तहसील का एक हिस्सा है जो पुरातत्व के लिए बहुत ही विख्यात है, लेकिन उसकी स्थिति वर्तमान में अच्छी नहीं है। तक्षशिला सिंध और झेलम नदी के बीच में स्थित है, और 3 व्यापारिक मार्ग इसके बिल्कुल पास से होकर गुजरते थे। उत्तर पश्चिम मार्ग कपिश को पुष्कलवती से जोड़ता था, और सिंध नदी का एक मार्ग था जो श्रीनगर से लेकर अरब सागर तक जाता था, और अरब सागर से आकर वो हिंद महासागर तक जाता था। इस तरह वह एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, प्राचीनतम विश्वविद्यालय, और यहाँ पर लगभग 10,000 छात्र से ज़्यादा थे जो देश और विदेश से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहाँ पर 60 विषयों की शिक्षा दी जाती, और प्रत्येक विषय का अपना एक गुरुकुल था जहाँ जाकर लोग शिक्षा ग्रहण करते। यदि किसी को एक से अधिक विषय का ज्ञान लेना होता था तो वह एक गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करने के बाद दूसरे गुरुकुल में चला जाता। इस गुरुकुल के आचार्य बहुत ही कठोर अनुशासन का पालन करते थे, चाहे कोई राजपुत्र हो या सामान्य नागरिक, दोनों के साथ समान व्यवहार होता, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, और ये वहाँ की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पर वेदवेत्ता जिनसूत धम्मपद और अष्ट विद्या की शिक्षाएं के साथ साथ अष्टादश विद्याएं और शाह दर्शन शास्त्र, राजनीति, अष्ट संचालन, युद्ध विद्या, त्रयी व्याकरण, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सर्व विद्या, तंत्र विद्या, ज्योतिष, आयुर्वेद, हस्तकला, शिल्पकला, मंत्र विद्या, ललित कला, अश्व विद्या, हस्त विद्या, पशुभाषा, हस्त विद्या,
गणित, सांख्य, खगोल विद्या, शस्त्र विद्या, विधि शास्त्र, विविध भाषाएं की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा देने की अवधि निश्चित नहीं थी, विद्यार्थी के अनुसार शिक्षा की अवधि घटाई और बढ़ाई जाती थी। सामान्यतः 12 वर्ष में शिक्षा पूर्ण होती थी, लेकिन चिकित्सा शिक्षा की अवधि 7 वर्ष थी। इसके बाद उनको किसी जड़ी बूटी की खोज करने जाना होता, जो वो जड़ी बूटी की खोज कर लेते थे और उसके गुणों का अध्ययन कर लेते थे, तब उन्हें स्नातक का उपाधि प्राप्त होती। प्राचीन साहित्य के अनुसार पाणिनि, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने वहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। इसके साथ ही साथ जीवक, वररुचि और राजा प्रसेनजीत, मल्लराज बंधुल, लच्छवी माहुल और मुद्रा राक्षस और आंभी कुमार आदि ने शिक्षा ग्रहण की। एक समय इस विद्यालय को आंभी नरेश का संरक्षण प्राप्त। 326 ईसा पूर्व यह आयुर्वेद विज्ञान का सबसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था। 500 वर्ष ईसा पूर्व जब लोग चिकित्सा विज्ञान को नहीं जानते थे, तब यहाँ पर आयुर्वेद विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। जातक कथाओं के अनुसार चीन, सीरिया, बेबीलोन आदि के विदेशी छात्र यहाँ पर वैद्यक और धनुर्विद्या की शिक्षा लेने आते थे। यहाँ शस्त्र विद्या लेने के लिए 103 देश के राजकुमार शिक्षा ग्रहण करते थे। जातक कथाओं और विदेशी पर्यटकों के अनुसार यहाँ पर उस समय स्नायुतंत्र और मस्तिष्क की शल चिकित्सा होती थी। असाध्य रोग का इलाज जड़ी बूटी से होता था और दुर्लभ से दुर्लभ जड़ी बूटी ढूंढने का कार्य यहाँ के अध्यापक और शिष्य करते थे। जड़ी बूटियों को ढूंढना, उनका अध्ययन करना और उससे असाध्य रोगों का उपचार करना यहाँ के एक विशेषता थी और इसलिए उसको एक बहुत महत्व दिया जाता है। वहाँ की अधिकतर पढ़ाई प्रयोगात्मक थी और छात्रों को समय समय पर बाहर ले जाकर उनको जड़ी बूटियों से अध्ययन कराते थे, उनको नई नई बातें दिखाते थे, उनको उनका महत्व समझाते थे। वहाँ पर शोधों को और प्रयोगात्मक कार्यों को अधिक महत्व दिया और उन कार्य के पूर्ण होने के बाद ही शिक्षा पूर्ण मानी जाती। तक्षशिला से स्नातक की उपाधि प्राप्त करना बड़े गौरव की बात मानी जाती है। यहाँ पर धनी और निर्धन दोनों तरह के छात्र पढ़ते थे। धनी छात्र गुरुकुल के लिए धन व्यय करने की व्यवस्था करते थे और गरीब छात्र गुरुकुल में अन्य कार्य करके उनमें सहयोग करते थे। और कई बार स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद छात्र जब कहीं पे कार्य करते थे तो वहाँ से वह विश्वविद्यालय के धन भेजते थे। ऐसी परंपरा बहुत बार देखी गई। एक आचार्य के पास 100 से लेकर 500 छात्र हुआ करते थे। उनके खाने पीने, रहने और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था आचार्य करते थे और पूरी पढ़ाई निःशुल्क होती थी। जीवन अनुशासित और कठोर था और उसका पालन सभी को करना पड़ता था, चाहे वो शिशु और चाहे आचार्य। प्रसिद्ध चिंतक, कूटनीतिक और राजनीतिक कौटिल्य ने यह शिक्षा प्राप्त की। पहले वो विद्यार्थी था, बाद में वो आचार्य बने। वैसे तो यूनानियों के समय आक्रमण जब हुआ था तो शायद इतनी वहाँ पे अव्यवस्था नहीं फैली और थोड़े दिनों के बाद वो विश्वविद्यालय पुनः चलने लगा। लेकिन दूसरी और तीसरी शताब्दी के आसपास हूणों ने वहाँ पे आक्रमण किया और ऐसा माना जाता है कि हूणों के आक्रमण समय ये विश्वविद्यालय काफ़ी हद तक नष्ट हो गया और शिक्षा भी करीब करीब कम होने लगी और विश्वविद्यालय का नाम लोगों को धीरे धीरे धूमिल होने लगा और नए विश्वविद्यालय उस समय आने लगे। कहते हैं कि जब फाहियान ने यात्रा की थी, जो 4वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था, तो वो उस रास्ते से होकर आया। लेकिन उसने अपने पुस्तक में
उसका कोई विशेष उल्लेख नहीं किया। तो इससे लगता है कि चौथी सदी के आते आते वो विश्वविद्यालय अंततः विख्यात नहीं रह गया था और उसकी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, वरना ये बात फायान जरूर प्रकाश में लाता। आपको ये कथा कैसे लगी इसके बारे में आप बताइएगा, और अगली बार मैं एक नए विश्वविद्यालय के बारे में बताऊंगा, उसका नाम आपने सुन रखा होगा, उसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। हमारे देश के प्राचीनतम विश्वविद्यालय हमारी धरोहर हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन विश्वविद्यालयों में किस तरह की पढ़ाई होती थी, किस तरह की शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा व्यवस्था का क्या महत्व था, वो वहाँ के शिष्यों के द्वारा उनकी गुणवत्ता के आधार पर जांचा और परखा जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने पुराने विश्वविद्यालयों के बारे में आपको जानकारी देते रहें। आपको शायद ये कथानक पसंद आया होगा, इसके लिए आपको धन्यवाद। पुनः अगली बार एक नए विश्वविद्यालय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ।